नमस्कार, आज हम रोकोको कला के बारे में चर्चा करेंगे। रोकोको शैली की जन्मभूमि फ्रांस थी और इसका चरम विकास जर्मनी में हुआ था। इस कला शैली के जन्मदाता पेरिस के दो वास्तुकार थे, रॉबर्ट द कोटी और जिलेस मैरी ओपेनार्द। ये दोनों जूलस हार्दुइन मानसार्थ के शिष्य थे, जो वर्सलीज के प्रसिद्ध राजमहल का वास्तुकार था। कोटी ने ही वर्सलीज के कुछ भवन पूरे किए थे, साथ ही उसने पेरिस में होटल ब्रिलेयर का भी निर्माण किया था। ओपेनार्द डच था, उसकी शिक्षा इटली में हुई थी, अतः उसकी शैली पर इटली के अंतिम युग की बरोक शैली का भी प्रभाव था, जिसमें मुक्त गति पर बल दिया गया था। नियमों से स्वतंत्रता की जो इच्छा बरोक शैली में अंकुरित हुई थी, वही इस शैली में पल्लवित हुई, जिसने दर्शकों को अपार ऐन्द्रिक सुख प्रदान किया। अतः स्वतंत्रता की इच्छा के कारण ही इस शैली में नवीन सामग्री के प्रयोग की संभावनाओं को खोजा गया। गौथिक कला में अतींद्रियता अर्थात सांसारिक के स्थान पर अलौकिक अनुभवों को महत्व दिया गया था, उसी का विकास नियम के उल्लंघन के रूप में बरोक शैली में आरंभ हुआ था, वही रोकोको में और अधिक विकसित हुआ। अतः यह नहीं समझना चाहिए कि नवीन सामग्री की खोज से ही रोकोको शैली का आरंभ हुआ था। सामग्री से संबंधित प्रयोग तो बाद में किए गए, अतः पुनरुत्थान की विदेशी बोझ ने जिस उत्तरी यूरोप की आत्मा को दबाना चाहा था, उसे रोकोको ने मुक्ति दी। इसे मुक्त आत्मा की आकुलता की अभिव्यक्ति से ही उत्पन्न मानना चाहिए। 1715 में लुई 14वें की फ्रांस में मृत्यु के पश्चात वर्सेलीज के राजमहल की अत्यधिक शान शौकत के विरोध में इसका आरंभ हुआ था, जब कला का केंद्र वर्सेलीज से हटकर पेरिस में आ गया था। रोकोको शब्द का मूल अर्थ शिला संबंधी शिल्प रॉक वर्क था, और यह मुख्यतः आंतरिक सज्जा की शैली थी, जिसमें भवनों के बाहरी भागों की सामग्री को आंतरिक भागों में प्रयुक्त किया गया। इसमें मुख्यतः अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार वाले अलंकरणों का प्रयोग हुआ, जिनकी विपरीत दिशा में पुनरावृत्ति भी की गई। सम मात्रा का कोई विचार नहीं हुआ। रोकोको शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द रोकाए से भी मानी गई है, जिसका अर्थ है सीप। सीप के ऊपर जिस प्रकार की गतिवान वक्र रेखाएं होती हैं, उसी प्रकार की रेखाओं को रोकोको शैली में प्राधान्य दिया, व ऐसी रेखाओं से बद्ध आकारों की इस शैली में भरमार होती थी। 18वीं शती में पार्सिलैन, स्वर्ण व चांदी के कार्य में भी इस शैली का प्रयोग हुआ। तत्पश्चात चित्रकला में सर्वप्रथम वातो तथा बुशे ने इसके प्रयोग किए। होगार्थ, शार्दिन तथा मूरलैंड में भी इसका प्रभाव है। असमानताएं होते हुए भी सब में स्वतंत्रता की भावना एक समान मिलती है। फ्रांस में इसका प्रचलन 1730 के पश्चात हुआ, और मध्य 18वीं शती में आदर्शवादी तथा रोमन कला के प्रति पुनः रुचि जागृत होने से नवशास्त्रीयतावाद के प्रवाह ने इसे दबा दिया। जर्मनी में यह चलती रही। इग्नास गुंथर का सुप्रसिद्ध वास्तुकार था। इसकी उत्पत्ति में क्लाद ओंद्रा का भी बहुत कर्तृत्व रहा है, जिसने सुंदर बेल बूटों, अलंकरणों, धनुष बाण लिए क्यूपिड शिशुओं की पंखदार आकृतियों, परियों, पालतू कुत्तों, आकर्षक पक्षियों तथा उद्यान के दृश्यों की आकर्षक रचना की थी। पुनरुत्थान व अप्रभाववाद कला आंदोलन के मध्य रोकोको शैली सर्वाधिक आकर्षक कला आंदोलन है। भवनों की आंतरिक सज्जा से ही रोकोको शैली का सूत्रपात हुआ। छोटी छोटी वक्र रेखाओं, सुंदरता व उल्लास से युक्त चित्रों व मूर्तियों से इन भवनों की सज्जा की गई। इंग्लैंड में इस शैली का अधिक प्रचार नहीं हुआ। फ्रांस में 1740 के पश्चात इस शैली के प्रति आकर्षण समाप्त हो गया। जर्मनी ही एक ऐसा देश था जहां रोकोको शैली में सर्वाधिक कृतियों का निर्माण हुआ है। इटली व स्पेन में इस शैली का प्रभाव न के बराबर रहा। रोकोको शैली में
बेल बूटों के अलंकरण का प्रेरणा स्रोत रोमन कला थी, जहां इस प्रकार के अलंकरण प्रचुरता से चित्रित होते थे। उन्हीं को परिष्कृत रूप देकर फ्रेंच कलाकारों ने रोकोको शैली का प्रारंभ किया। फ्रेंच रोकोको शैली का महान चित्रकार वातो था, जिसने बरोक शैली में भी कार्य किया। यह अपने जीवन के उत्तरार्ध में रोकोको शैली की ओर पूर्ण उन्मुख हुआ। इसकी मृत्यु के पश्चात रोकोको शैली में कार्य करने वाले कुशल कलाकार बहुत कम रहे। पुनरुत्थान की विदेशी खोज ने जिस उत्तरी यूरोप की आत्मा को दबाना चाहा था, उसे रोकोको ने मुक्ति दी। असमानता होते हुए भी सब में स्वतंत्रता की भावना एक समान मिलती है। फ्रांस में 18वीं शती के आरंभ में चित्रकार व्यक्ति चित्रण के क्षेत्र में एक भव्य राष्ट्रीय शैली के विकास का प्रयत्न कर रहे थे। इसके प्रथम लक्षण हमें निकोलस लॉर्जलिए द्वारा चित्रित लुई 14वें के परिवार के चित्रों में मिलते हैं। निकोलस वातो से लगभग 30 वर्ष बड़ा था। फ्रांस में जन्म लेकर उसने बहुत समय तक लंदन में कार्य किया था, जहां वह सर पीटर लैली नामक ब्रिटिश चित्रकार का सहायक था। चार्ल्स द्वितीय उसे बहुत चाहता था। जीवन के अंतिम भाग में वह पुनः फ्रांस लौट आया और पेरिस में रहने लगा। उसका रेखांकन पूर्णतः शुद्ध किंतु कठोर है, रंग हल्के और संगति पूर्ण है। उसके अन्य समकालीन कलाकार थे रिगॉर्ड, ऑड्री तथा नेटियर। फ्रांस की 18वीं शती की रोकोको शैली के प्रमुख कलाकार हैं जॉन एंटोइन वातो, फ्रांसवा बुशे, जॉन बैपतिस्त साइमो शार्डिन फ्रोगोनार्ड, जॉन बैपतिस्त ग्रूज व जियोवानी बतिस्ता तियापोलो। रोकोको शैली यद्यपि फ्रांस में उत्पन्न हुई थी, तथापि वह इटली, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया व बोहिमिया आदि में भी फैली। रोकोको कला के सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार हैं जॉन एंटोइन वातो। 17वीं शती की डच लोक जीवन की कला में से ही 18वीं शती के यथार्थवाद का विकास हुआ, जिसमें बुजुर्वा वर्ग का चित्रण विशेष रूप से हुआ। फ्रांस में इसका पर्याप्त प्रचलन हुआ, जहां जॉन एंटोइन वातो एवं जॉन बैप्टिस्ट शार्द इसके प्रमुख प्रयोक्ता थे। फ्रांस में लुई 14वें का दरबार अब कलाओं का भी प्रमुख केंद्र हो गया। वहां के चित्रकार अभी तक फ्लांडर्स तथा इटली के प्रभाव में थे। दरबार में फ्लेमिश परंपराएं चल रही थी। विषयों को ग्रामीण वातावरण में दिखाने की परंपरा थी, जिससे आगे चलकर फ्रांस की जनतांत्रिक शैली का विकास हुआ। व्यक्ति चित्रण में भी इटली की परंपराएं चल रही थी। पुसीन तथा लौरा ने यद्यपि दृश्य चित्रण की नींव डाल दी थी, तथापि दोनों का अधिकांश जीवन रोम में ही व्यतीत हुआ था। अतः अभी तक कोई भी कलाकार ऐसा नहीं हुआ था जो फ्रांस में राष्ट्रीय शैली की स्थापना का प्रयास करता। इसका श्रेय एंटोइन वातो को है। वातो का जन्म फ्रांको फ्लेमिश बॉर्डर पर वोलेंसियाना में हुआ था। उसके पिता बढ़ई का कार्य करते थे, अतः वातो का जीवन निर्धनता और कष्टों में व्यतीत हुआ। पिता की इच्छा थी कि उसका पुत्र भी कठोर परिश्रमी बने, किंतु एंटोइन वातो जब नगर पालिका का कार्य करने वाले एक चित्रकार से शिक्षा लेने की आज्ञा के लिए पिता के पास पहुंचा, तो पिता ने पढ़ाई का खर्च देने से मना कर दिया। वातो उसकी चित्रशाला में कार्य करने लगा। 1702 में उसके चित्रकार शिक्षक की मृत्यु हो गई। वातो एक दृश्य चित्रकार के साथ पेरिस भाग आया। पेरिस में काम अधिक न मिलने के कारण उसने वातो को छोड़ दिया। वातो विदेश में अकेला और असहाय रह गया। किसी प्रकार उसे एक ऐसी चित्रशाला में काम मिल गया, जहां धार्मिक चित्र बनाकर दर्जन के हिसाब से दुकानदारों को बेचे जाते थे। वहां वह लोकप्रिय विषयों की सस्ती अनुकृतियां बनाने लगा। वहां उसे दिन में एक बार शोरबा का भोजन मिलता और प्रति सप्ताह कुछ पैसे मिल जाते। फिर भी वातो ने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से वहां सबसे अधिक और अच्छा बनने वाला संत निकोलस का चित्र बनाने का अवसर प्राप्त कर लिया। कार्य करते करते वातो का परिचय एक सज्जाकार जिलौत से हुआ, जो उसकी कला से प्रभावित होकर
उसे अपने साथ रहने के लिए ले गया। वहाँ उसने फैशनेबल विषयों के अनेक चित्र बनाए। कुछ समय उपरांत जिलोत से उसकी अनबन हो गई। इसके पश्चात उसका परिचय लग्जमबर्ग राजमहल के ही एक चित्रकार क्लॉद ओंद्रा से हुआ। उसकी कला पर ओंद्रा का भी प्रभाव पड़ा। राजमहल के पीछे के वन में जाकर वातो ने प्रकृति का विशद अध्ययन किया, जिसका उपयोग उसने बाद में बनाए गए चित्रों की पृष्ठभूमियों में बड़ी सूझबूझ से किया है। महल के भीतरी कक्षों में फ्लेमिश चित्रकार रूबेंस द्वारा बनाए हुए मैरी द मेडिसी के जीवन से संबंधित चित्र लगे हुए थे। वातो उनसे बहुत प्रभावित हुआ। उसने उनकी बार बार अनुकृति की और अपने साथी फ्रेंच कलाकारों का ध्यान इटली की कला से हटाकर रूबेंस के यथार्थवाद पर केंद्रित किया। उसने रूबेंस के गुणों का अपने मौलिक संयोजनों के साथ समन्वय किया, जिसका एक उत्तम उदाहरण श्रृंगार रता महिला है। इसमें उसने रूबेंस से भी अधिक लावण्य और परिष्कार दिखाया है। आगे बढ़ते सैनिक विषय का भी उसने बड़ा यथार्थवादी चित्र अंकित किया। उसके पश्चात वातो कुछ समय के लिए वॉलेंसियाना लौट आया। वहाँ भी वह प्रकृति तथा समकालीन जनजीवन का अध्ययन करता रहा। वहाँ उसने सैनिक जीवन संबंधी कैंप, मार्च, चौकियों पर ड्यूटी आदि विषयों के यथार्थवादी चित्र बनाए। 1709 में वह पेरिस लौट आया। वह इटालियन कला को देखने के लिए रोम जाना चाहता था, अतः उसने एक प्रतियोगिता में भाग लिया, किंतु अकादमी का पुरस्कार उसे नहीं मिल पाया। फिर भी उसके मन में इटली जाने की अभिलाषा बनी रही। 3 वर्ष बाद उसने सैनिकों के 2 चित्र ऐसे स्थान पर लगा दिए जहां से अकादमी के सदस्य निकलते रहते थे। इन चित्रों की बहुत प्रशंसा हुई और उत्सुकतावश जब इनके चित्रकार के बारे में ज्ञात किया गया तो पता चला कि वह केवल इटली जाने के लिए छोटे से अनुदान का इच्छुक है। अकादमी के वरिष्ठ सदस्यों ने उसे उद्बोधित किया कि वह तो बहुत अच्छा चित्रकार है और उसे इटली जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात 28 अगस्त 1717 को उसे अकादमी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। इस घटना ने वातो का जीवन ही बदल दिया। सदस्य बन जाने के उपरांत कलाकारों को एक उपाधि चित्र डिप्लोमा वर्क जमा करने के नियम के अनुसार उसने किथेरा की सागर यात्रारंभ शीर्षक चित्र बनाया, जिसमें पूर्ण प्रेम के कल्पित द्वीप किथेरा के हेतु बहादुर युवकों और सुंदर युवतियों का एक समूह प्रयाण की तैयारी में है। वातो ने इस चित्र में जिन रंग संगतियों का प्रयोग किया है वे कोई 150 वर्ष आगे की थी। उसके समय के कला मर्मज्ञों ने उसकी बहुत प्रशंसा की है। वह चित्र में पहले गाढ़ा रंग थोप देता था, फिर बिंदुमय रीति से वस्तुओं के विवरण अंकित करता था। इससे चित्र में एक प्रकार का कंपन तथा जगमगाहट का सा प्रभाव उत्पन्न हो जाता था। उसने रंगों के बलों का जो वैज्ञानिक विभाजन और पूरक रंगों की जो संगतियां प्रयुक्त की है उनके आधार पर ही 19वीं शताब्दी उत्तरार्ध के वैज्ञानिक अन्वेषणों को लेकर चलने वाले कलाकारों ने प्रिज्मेटिक रंगों का विकास किया। वातो निर्धनता और भूख में पला था, अतः शरीर से वह बहुत दुर्बल था। शने शने वह फेफड़ों के क्षय रोग से ग्रस्त हो गया। उसे अपनी शीघ्र मृत्यु का आभास हो गया था, अतः वह अंतिम वर्षों में बहुत शीघ्रता से कार्य करने लगा। उसने एक धनी व्यक्ति के लिए 4 ऋतुएं नामक चित्रों की रचना की। फिर वह अपने एक मित्र के साथ रहने लगा और 1718 में उसने उसे भी छोड़ दिया और अकेला एक छोटे से कमरे में रहने लगा। उससे किसी ने इंग्लैंड की प्रशंसा की, अतः उसके मन में इंग्लैंड जाने की अभिलाषा जाग उठी। 1719 में वह वहाँ आया और कुछ चित्र अंकित किए, किंतु वहाँ की जलवायु को अनुकूल न पाकर वह पुनः फ्रांस
लौट आया। 6 महीने में उसके स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ। उसने कुछ कार्य भी किया और चर्च के लिए एक सूली का चित्र भी बनाया। जलवायु के परिवर्तन से स्वास्थ्य में सुधार की आशा से वातो ने अपने वोलेंसियाना जाने की बात सोची, किंतु वह जब तक वहां जाने लायक होता। 18 जुलाई 1721 को केवल 37 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। वातो जब सर्वप्रथम पेरिस आया तो लोगों को संगीत का बड़ा शौक था। इन्हीं से उसे उल्लास और आमोद प्रमोद के विषयों के चित्रण की प्रेरणा मिली। उसने उनके स्टेज सेटिंग का तो चित्रण नहीं किया, किंतु उनकी जीवन पद्धति को अपने चित्रों में उतारा। उसने इन पात्रों को चमकीले रेशमी तथा साटिन के वस्त्र पहनाए और उन्हें सुंदर उद्यानों तथा सघन कुंजों में बैठाया। उसकी इस पद्धति का 18वीं शती में बहुत अनुकरण हुआ। वातो अपने समाज के द्वारा ही निर्मित हुआ था और ऐसे शान शौकत तथा राग रंग प्रिय समाज में रहना उसका सौभाग्य था। तत्कालीन सामंत चाहते थे कि चित्रकला में उनकी महत्वाकांक्षाएँ और स्वप्न अभिव्यक्त हों। वातो ने यही किया। उसे धार्मिकता अथवा देशभक्ति की बिल्कुल चिंता नहीं थी, किंतु फिर भी वह इस आमोद प्रमोद में केवल बाहर से ही लिप्त दिखाई देता है। उसका मन एक प्रकार से इन सबसे अलग था, जो उसके चित्रों की आकृतियों के एकाकीपन तथा दृष्टि के सूनेपन से इंगित होता है। रेखांकन तथा रंगों की दृष्टि से वातो बहुत अच्छा कलाकार था। उसमें दोनों ही विशेषताओं का अद्भुत समन्वय था। उसका बातचीत द कन्वर्सेशन शीर्षक चित्र रेखांकन में रफेल तथा व्यंजना में रेम्ब्रा की टक्कर का माना गया है। उसके रंग मणियों के समान चमकदार हैं। इसने घरेलू दृश्यों में भी आंतरिक दृश्य अधिक बनाए। इसने बहुत कम चित्रण किया, तथापि लगभग इसके 40 चित्र प्राप्त हैं। वातो का सुप्रसिद्ध चित्र है रसोई में काम करती स्त्री। उसकी कला ने आधुनिक फ्रेंच कला के रोमांटिक व प्रभाववादी आंदोलन की नींव रखी। वातो के समक्ष आकृतियों को प्राकृतिक तथा ग्राम्य वातावरण में अंकित करने का फैशन था। इसे चारागाहों की शैली पेस्टोरल स्टाइल कहा जाता है। रोकोको कला का दूसरा महत्वपूर्ण चित्रकार था फ्रांस्वा बुशे। अन्य कलाकारों की तुलना में यह अधिक प्रसिद्ध हुआ। इसका जन्म पेरिस में हुआ था। आरंभ में यह वातो का शिष्य रहा। 1723 में केवल 20 वर्ष की आयु में फ्रेंच अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया और 4 वर्ष पश्चात कला के अध्ययन हेतु रोम चला गया। 1731 तक वहां अध्ययन कर पुनः पेरिस लौटा और 3 वर्ष पश्चात फ्रेंच अकादमी का सदस्य मनोनीत किया गया। जीवन के अंतिम समय में 1765 में उसे अकादमी का डायरेक्टर चुन लिया गया। इसके 5 वर्ष उपरांत ही बुशे की मृत्यु हो गई। कला आलोचिका लेडी डिके का अध्ययन है कि बुशे ने जितनी विविध शैलियों में कार्य किया है ऐसा अन्य किसी भी कलाकार ने नहीं किया। उसके रेखांकन प्रायः प्रत्येक संग्रह में है और उसके द्वारा अंकित तेल चित्रों, भित्ति अलंकरणों तथा टेपेस्ट्री डिजाइनों की संख्या तो गिनी ही नहीं जा सकी है। उसने ओपेरा के लिए दृश्य भी चित्रित किए थे। बुशे के समान 18वीं शती की फ्रेंच रुचियों को चित्रित करने वाला कोई दूसरा कलाकार नहीं हुआ। फैशनेबल तथा परिष्कृत रुचि के संरक्षकों एवं ग्राहकों के हेतु उसने अनेक कृतियाँ बनाई। उसे इस दृष्टि से उस समय के फैशन का अग्रगामी माना जाता है। टेपेस्ट्री तथा सजावटी पैनलों के लिए उसने उत्फुल्लतादायक तथा हल्के बलों वाली योजनाओं का विकास किया, जिनमें फीके नीले तथा गुलाबी रंगों का प्राधान्य है। मदाम द पोम्पेदू के लिए उसने अनेक चित्र तथा अलंकरण बनाए थे और उनमें प्रयुक्त बड़ा ही मिठास भरा रंग रोज द बेरी के नाम से प्रसिद्ध है, जो बुशे ने रोज पोम्पेदू के नाम से आविष्कृत किया था। मदाम पोम्पेदू चित्रकला की महान संरक्षिका थी और 1764 में उसकी मृत्यु की के पश्चात फ्रांस के दरबार में अनेक चित्रकार चले गए। उसकी शान शौकत तथा सुंदरता
सुंदरता की चाह का कलाओं पर बहुत प्रभाव पड़ा था। यद्यपि उसमें दिखावा और अलंकरण वृत्ति अधिक थी, यही कारण है कि वर्तुलाकार रेखाओं से युक्त लहरें और बूंदें, झाग, शंख, सीप, अलंकृत पूंछ सहित मत्स्य कन्याएं, अलंकृत मेघ, सुंदर कोमल गुलाबी चेहरे, वीनस तथा डायना आदि ही इस शैली में विशेष चित्रित हुए हैं। बुशे ने वीनस व डायना का भी चित्रण किया। उसकी व्यस्तता प्रायः राजकीय उपयोग की टेपेस्ट्री व चीनी मिट्टी के उपकरणों के लिए आलेखन बनाने में रही। रोकोको कला से संबंधित हमारा यह टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे भी मैं समय समय पर इस प्रकार की जानकारी आपको उपलब्ध करवाती रहूँगी। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।